यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए यहाँ पर खबर है, यूपी बोर्ड के छात्र ध्यान दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई हैं, अभी फैसला आना बाकी है। यानी कि आप जो न्यूज़ देखते हो कि छात्र प्रमोट हो गए हैं, वो सब गलत है। बस अभी आपका जो है सरकार का फैसला आना बाकी है। अगर सरकार कहती है कि प्रमोट हो जाएंगे तो आप प्रमोट हो गए, वरना आपको जो है पढ़ाई अपनी जारी रखनी होगी, आपको फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्या पता कब एग्ज़ाम होने का फैसला आ सकता है, प्रमोट होने का फैसला भी आ सकता है और एग्ज़ाम की डेट शीट भी जारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर कोविड के केसेस कम होते हैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखते हैं बाकी क्या है न्यूज़ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यूपी सरकार और यूपी बोर्ड की ओर से 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं, अभी यूपी सरकार और यूपी बोर्ड की ओर से 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। फिलहाल यूपी बोर्ड अपनी वैकल्पिक तैयारी में व्यस्त है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रद्द करने या स्थगित करने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि यूपी बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में यूपी बोर्ड की ओर से जल्द निर्णय कर लिया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने रविवार को यानी कल 23 मई को आयोजित एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में भाग लिया था। बैठक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा की गई थी। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्री, सीबीएसई बोर्ड, राज्य बोर्डों के सचिव भी मौजूद रहे थे। सभी को मिलेगी प्रोन्नति तो ये एक नया इतिहास होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि 100% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हों। लेकिन अगर प्रमोट होते हैं बच्चे तो 100% जो इस बार रिजल्ट रहेगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रमोशन होगा या एग्ज़ाम्स। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।